निश्चित रूप से धार पुलिस की एक ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ स्तर से आईजी सर, डीआईजी सर और हमारे पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह साहब इनकी तरफ से पूरी जानकारी और इनके पीछे लगे हुए थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली है और वो मुखबिर से सूचना क्राइम ब्रांच को मिलने पर थाना क्राइम ब्रांच थाना सरदारपुर के बलजीत सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष पांडे, उनकी टीम, स्थानीय की टीम, इनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई थी और उसी कार्रवाई में तीन लोगों को हम लोगों के द्वारा पकड़ा गया है। और तीन लोगों में एक जितेंद्र थाना टांडा के अंतर्गत रहने वाला है, दिलीप वो भी टांडा का है और एक रवि जो कि नानपुर थाने के अंतर्गत जिला अलीराजपुर का है। ये तीनों से मोटरसाइकिलें जब्त की और पूछताछ पर इन लोगों से हम द्वारा टोटल 17 गाड़ियाँ मिली हैं। उसमें जो गाड़ियाँ मिली है वो गाड़ियाँ धार और झाबुआ, मंदसौर, देवास, खंडवा और गुजरात की भी 5 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ियों का पता कराया जा रहा है। कुल मिला के 17 गाड़ियाँ मिली, कुल 9 लाख की है। उसमें हीरो होंडा से जुड़ी गाड़ियाँ अधिक हैं और शोकमोच के लिए लोग ज़्यादा वाहन चोरी की घटनाओं को करते थे। इस घटनाक्रम को पूरा ट्रैक करने में SDP सरदारपुर, थाना प्रभारी सरदारपुर, क्राइम ब्रांच प्रभारी और उनकी टीम का बहुत ही अच्छा कार्य रहा और इससे निश्चित ही पूरे क्षेत्र में वाहन चोरों के ऊपर अच्छा नियंत्रण कर दिया जाएगा। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।